रिजर्व बैंकों और एनबीएफसी को ग्रोथ के लिए जोखिम से समझौता नहीं करना चाहिए यह कहते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि क्रेडिट कार्ड जैसे अनसिक्योर्ड लोन पर कार्रवाई नहीं करने से बड़ी समस्या पैदा हो सकती है आरबीआई की कार्रवाई से अनसिक्योर्ड लोन में वृद्धि धीमी होने का अच्छा प्रभाव दिखा है रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह भी कहा कि बैंक अपने कारोबार की ग्रोथ के लिए रिस्क से समझौता ना करें सर रिजर्व बैंक किस जोखिम की भविष्यवाणी कर रहे हैं रिजर्व बैंक को यह पता है कि बैंकों को यदि कर्ज देने की में जिस तरीके के जोखिम लिए जा रहे हैं उनसे नहीं रोका गया तो बैंकिंग सिस्टम पर बड़ा खतरा हो सकता है पिछले साल रिजर्व बैंक ने सख्ती की आपको पता है अनसिक्योर्ड लोन के ऊपर क्रेडिट कार्ड लोन पर्सनल लोन के ऊपर प्रोविजनिंग बढ़ाई गई अभी भी हालांकि आरबीआई मान रहा है कि उस फैसले का कुछ बेहतर असर हुआ है मौद्रिक नीति में भी आरबीआई की तरफ से बात कही गई थी लेकिन अभी भी रिजर्व बैंक को लग रहा है कि बैंक इस निर्देश को पालन करने में थोड़ी कर रहे हैं और, और इसे सही ढंग से लागू नहीं कर रहे हैं इस समय रिजर्व बैंक की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अर्थव्यवस्था में जिस तरीके के दबाव दिख रहे हैं खासतौर पर उपभोक्ता कर्ज के मामले में क्योंकि लोगों की आय नहीं बढ़ रही जीवन जीने की लागत बढ़ रही बचतें टूट रही हैं ऐसी स्थिति में असुरक्षित अन्योर कर्ज बैंकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकते हैं आपको याद होगा कि हम बताते रहे कि पिछले साल के भीतर बैंकों के पोर्टफोलियो में अब कॉमर्शियल क्रेडिट का हिस्सा लगातार घटने लगा है और जो पर्सनल क्रेडिट रिटेल क्रेडिट है उसका आकार बढ़ रहा है और इसमें बड़ा रिटेल क्रेडिट एनबीएफसी कंपनियों के थ्रू जाता है जिन पर भी रिजर्व बैंक ने सख्ती की है तो यानी आरबीआई मान रहा है कि बैंकों को अगर कर्ज देना है तो वे सख्त नियमों के तहत खुले हाथ कर्ज बांटने से बैंकिंग सिस्टम के लिए खतरा हो सकता है बिल्कुल इधर स्विस बैंकों में भारतीय व्यक्तियों और कंपनियों की तरफ से जमा धन 2023 में 70 फीसद की तेज गिरावट के साथ चार साल के निचले स्तर नौ करोड़ रुपए पर आ गया स्विस बैंकों में भारतीय ग्राहकों के कुल धन में लगातार दूसरे साल गिरावट आई है 2021 में स्विस बैंकों में भारतीयों की जमा चौदह साल के रिकॉर्ड स्तर तीन, तीन अरब स्विस फ्रैंक पर पहुंचती हुई दिखाई दी थी सर स्विस बैंक में भारतीयों के जो पैसे कम हुए हैं इसको कैसे देखा जाए कैसे पढ़ा जाए इस खबर को दो तो तरह से समझा जा सकता है स्विस बैंक में भारतीय लोगों के जमा में कमी आना आने का आ, का एक मतलब यह है कि पिछले दो तीन साल में जो सर्विलांस के सतर्कता के नियम बनाए गए खास तौर पर आपको याद होगा पूरी दुनिया में जी देशों के बीच सहमति बनी थी कि सूचनाओं का आदान प्रदान होगा उस आदान प्रदान के कारण बहुत सारी सारे स्विस बैंक में पहुंचने वाले पैसे कम हुए लेकिन दूसरी एक बड़ी चुनौती भारत के साथ दिखाई दी जिसे इस संदर्भ में

जरिए या किसी दूसरे चैनल के जरिए स्विस बाईस में पैसा जाता था जाता था जा पूरे पूरे और भारत में, में था और माना कि भारतीय पूंजी में 8000 लोग भारत, भारत छोड़कर गए थे आंकड़े हैं बताए गए 2023 में करीब पैंसठ सौ लोग गए थे और एच का मतलब जिनकी नेटवर्थ करीब करीब एक मिलियन डॉलर से ज्यादा होती है ये जो पूंजी की उड़ान है या ये जो पूंजी पूंजीपतियों का भारत से पलायन है यह ज्यादा बड़ा है उससे ज्यादा बड़ा है जो स्विच बैंकों में जाने वाले पैसे के तौर पर है क्योंकि यह पूंजी जो लोग भारत छोड़कर जा रहे हैं उनके कारोबार उनके बिजनेस भारत में ही उन्होंने कमाया यहां से लेकिन वो अपनी बचत को अपनी नेटवर्थ को भारत से बाहर ले जाकर दुनिया के अन्य क्षेत्रों में निवेश कर रहे हैं और इसके लिए भारत को अपने अपने यहाँ इस तरीके के विकल्प पैदा करने होंगे कि जो सुपर सुपरिचेज हैं ये भारत में ही इस पैसे को निवेश कर सकें चुनौती कि सरकार के सामने आने वाले समय में टैक्स बढ़ाने की चुनौती होगी और यदि और टैक्स बढ़ता है तो टैक्स परिचय पर ही बढ़ेगा और इससे यह पलायन और बढ़ने का खतरा है, है। चलिए कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर